कोरोना वायरस के चलते पूरा देश लॉकडाउन है। इस लॉकडाउन की वजह से सबसे बड़ी समस्या खड़ी हुई उन दिहाड़ी मजदूरों के सामने जो दूसरे राज्यों या फिर दूसरे शहरों में मजदूरी कर रहे थे। अचानक से हुए लॉकडाउन के चलते यातायात व्यवस्था और परिवहन व्यवस्था पूरी तरह से बाधित हो गई। दूसरा संकट था इन लोगों के सामने रोजी रोटी का, इसलिए ये लोग पैदल ही अपने परिजनों के पास पहुंचने के लिए निकल पड़े। फिरोजाबाद के सुभाष द्राहे पर कुछ युवक एकजुट सड़क किनारे बैठे दिखाई दिए। जब उनसे पूछा गया कि वो कहां से आ रहे हैं और कहां जाना है, ऐसे में कई सवाल थे जो उनसे पूछे गए। तब युवकों ने बताया कि वो लोग हरियाणा से रोहतक जिले तक पैदल चलकर आ रहे हैं। किसी को मैनपुरी जाना है तो किसी को नखलऊ और किसी को औरैया। युवकों ने बताया कि वो हिंदुस्तान लीवर कंपनी में काम करते हैं। लॉकडाउन के बाद उन्हें वहां से भगा दिया गया। कंपनी ने साफ कह दिया कि उनके पास उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ये सब सुनकर ये सभी कर्मचारी परेशान हो गए। ना तो इनके सामने आने जाने की कोई व्यवस्था थी। वहीं कुछ युवकों ने वहां से पुरानी साइकिलें खरीदी और वो साइकिलों से ही अपने गांव औरैया की ओर चलने लगे। तो कुछ लोग पैदल ही अपने घरों की ओर निकल पड़े। सभी ने दबी जुबां में अपना दर्द बयां किया और सैकड़ों मील चलकर अपने घरों तक पहुंचने की जद्दोजहद करते हुए नजर आए। क्या नाम है आपका? हरगोविंद सिंह। ये तो कहां से आ रहे हो ये साइकिल से आप? फरीदाबाद, हरियाणा। कहां जाना है आपको? औरैया। तो कुछ गाड़ी नहीं मिली आपको? नहीं, साइकिल से देख ली कहाँ रखते। किस कंपनी में काम करते थे? एक्सपोर्ट कंपनी है, गारमेंट है। क्या कंपनी ने लॉकडाउन के बाद निकाल दिया क्या? निकाला नहीं, बंद हो गई तो लॉकडाउन अब कब कब खोलेगी क्या पता। पैसा वैसा? अभी पैसा सैलरी 10 तारीख के बाद ही मिलती है, अभी क्या पता। सैलरी भी नहीं दी? सैलरी पिछली मिल गई 7 तारीख को, अब ये थोड़ी अभी मिल जाएगी। तो साइकिल से ही आप लोग कितने लोग हो? साइकिल से जा रहे हो? अभी 3 लोग हैं। साइकिल से ही आप फरीदाबाद से? हाँ जी। और ये साइकिल से ही जाओगे? हाँ। सरकार की तरफ से कोई आपको भेजने की व्यवस्था? व्यवस्था क्या, आप साइकिल के लिए तो कोई सवार ही नहीं, कि बस में भी नहीं रख सकते। कोई व्यवस्था अलग से नहीं की गई सरकार द्वारा आपके लिए? नहीं। क्या आप घर पहुँच सके सुरक्षित? अपना यही है साइकिल सुरक्षित। साइकिल से जा रहे हो? हाँ जी। कब कब चले थे फरीदाबाद से? सुबह 6 बजे। सुबह 6 बजे? हाँ जी। रात के 11 बजने वाले हैं। हाँ। फरीदाबाद पहुँचे हैं? हाँ जी। खाना वाना मिला? हाँ, रास्ते में खाना चाय वो सब हो रहा, उसकी कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम है आपका? जी अमित कुमार तिवारी। अमित, कहाँ से आ रहे हो आप लोग? जी हम हरियाणा के रोहतक जिले से आ रहे हैं। अच्छा, ये बताइए किस कंपनी में काम करते थे? जी हिंदुस्तानी यूनिलीवर में करते हैं, हसनगढ़ रोहतक। आपके साथ कितने लोग हैं? जी हमारे साथ ये सब भाई बंधु जो पीछे आप देख रहे हैं, 14 लोग हैं टोटल संख्या है। क्या हिंदुस्तान लीवर में काम करते हैं? जी सर। तो क्या कंपनी की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई लॉकडाउन? कंपनी की तरफ से लॉकडाउन के बाद कोई व्यवस्था नहीं कर दी गई और सभी को अपनी छुट्टी दे दी गई है 14 अप्रैल तक। जैसा कि इंतजाम कीजिए, अपना रहिए आप, अपना बता रहे। कंपनी में कब से काम कर रहे हो? कंपनी में हमको हो गए करीब 5 महीने हो गए, ये भी भाई लोगों को 6 महीने से अधिक हो चुका है। कंपनी ने कोई घर भेजने की व्यवस्था नहीं? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं की गई है। क्या कहा कंपनी के कर्मचारियों ने? कि आप लोगों की छुट्टी है भी ऑफ रहेगा, ना ही कोई इसका हमें दिया गया है रहने या खाने का, कोई पैसा भी नहीं दिया गया है। तो आप कैसे घर पहुंच रहे हो आप? तो हम लोग तो बड़ी प्रॉब्लम से निकले हैं कल, वहाँ दोपहर के 2 बजे निकले हैं और रात के यहाँ 9-10 बजे हैं इस टाइम। 24 घंटे तो ऊपर हो चला टाइम। पैदल पैदल आ रहे हो आप? जी हाँ, पैदल ही आए हैं। तो यहाँ से कहाँ जाना है आपको? जी मैनपुरी जाना है और हमें लखनऊ भी जाना है। इन भाई लोग सब मैनपुरी पहुँचेंगे। आप पैदल ही जाओगे? हाँ पैदल ही जाएंगे, साधन कहीं मिलता है तो मिलेगा नहीं, क्योंकि कोई व्यवस्था नहीं की तरफ से। अभी सरकार की तरफ से हम लोगों को कोई अभी आने जाने के कोई साधन नहीं मुहैया कराया गया है। और हालांकि लॉकडाउन जो किया गया है इससे हम सहमत कि बीमारी ना फैले हमारे देश में, लेकिन कुछ जो आम आदमी लोगों को दिक्कत हो रही है और खास करके जो यूपी के या बिहार के लोग। पैदल आप जा रहे हो, रास्ते में कुछ हो जाता है तो फिर इसकी जिम्मेदारी हम खुद ही, हमारी कोई मतलब जिम्मेदारी नहीं ले रहा है कोई भी, ना सरकार कंपनी कोई भी नहीं ले रहा है।